कवर्धा जिले की नगर पंचायत लोहारा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। 15 पार्षद वाले नगर पंचायत में प्रस्ताव के पक्ष में 10 जबकि विपक्ष में 5 वोट डाले गए। इस तरह से यह प्रस्ताव पारित हो गया। कांग्रेस का बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस समर्थित 3 पार्षदों ने भाजपा के 7 पार्षदों के साथ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी धराशायी हो गई। 4, 4, 8, 10 हम लोग 6 महीने से लगातार अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में संघर्ष करते रहे। बहुत मेहनत करने के बाद हाई कोर्ट से हमको आदेश मिला मतदान का, और अविश्वास प्रस्ताव लगाने का मकसद ये था कि 3 साल हो गए थे कि कोई काम यहाँ हो नहीं रहा था विकास का। लगातार जनता हमसे सवाल पूछ रही थी, वार्डों में कोई काम हो नहीं रहा है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने सत्ता के कुर्सी के उसमें मस्त थे, इसलिए हम सभी के ऊपर दबाव था हमारे वार्डों का, और पब्लिक जनता पूरा चाह रही थी कि अब काम नहीं करने वालों को हटा दो घर से। तो जनता के जो बात थी उनका हम सभी ने सम्मान किया और उनके हिसाब से हमने अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव का नो कॉन्फिडेंस का वोट डला है, उसमें पक्ष में 5 डला है, विपक्ष में और पक्ष में 5 डला है। हम लोग 5 वोट पाए हैं, थे हम लोग 8, लेकिन वोट मिला है 5। क्या लगता है ऐसी परिस्थिति क्यों बन पाई? अब ये परिस्थिति 3 कांग्रेस के जो पार्षद थे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का साथ दिए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। अब वो बाकी पार्टी फोरम में जाएगा, बात पार्टी जो निर्णय लेगा सौरव मान्य रहेगा। संगठन के लोग इस संबंध चर्चा नहीं की? नहीं, अभी तक के संगठन के लोग सामने आए हैं नहीं, कोई आए हैं। अब क्या करते हैं, संगठन के प्रमुख हैं, माननीय मंत्री जी हैं, जो डिसीजन लेंगे वो होगा। आपके पास जो पार्षद मनमानी का आरोप लगाया था, अब मनमानी कहने थोड़े होता है भैया, तो जस्ट जांच करवा के देखे हैं, जांच में पूरा निराधार पाए हैं हम लोग, कहीं कोई ब्लेम लगा नहीं है। अब ठीक है, ये है। चलिए, कलेक्टर साहब के निर्देशन पे जो है मतदान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया। 5:12 को निर्धारित था और शेड्यूल टाइम में 12 बजे प्रारंभ कर दिया गया। सर्वप्रथम अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया, सॉरी निर्वाचन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में मतदान कराया गया, उसको उपाध्यक्ष का कराया गया। तत्पश्चात दोनों का एक साथ 1x1 गणना किया गया। उसमें जो कुल पार्षदों की संख्या 15 थी, 15 के 15 उपस्थित हुए, और नगरपालिका अधिनियम 43 का के जो प्रावधान है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पारित माना जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के लिए 15 में से 10 जो है विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े, जिसके आधार पर दोनों में जो है पारित हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ।